हेलो दोस्तों रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड एन अमेजिंग बुक एंड लाइफ चेंजिंग बुक दैट इज व्हाट द कंपाउंड इफेक्ट इट्स ऑसम यार बहुत 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 ही ज्यादा अच्छी किताब है ट्रस्ट मी अगर आपने एक बार इसको शुरू कर दिया यू वॉन्ट स्टॉप इट अंटिल यू फिनिश इट सो आई एम टेल यू इन दिस वीडियो द थ्री लाइफ चेंजिंग लेसन विच आई हैव लर्न फ्रॉम दिस बुक एंड द रीजन दैट वाई आई रिकमेंड यू

आपका डेस्टिनी आपका लक्ष्य आपका गोल क्या है ना ये आपकी वो स्मॉल डिसीजंस पे डिपेंड करता है हम अक्सर सुनते हैं कि एक डिसीजन पूरी जिंदगी बदल देता है एक निर्णय आपका पूरा संसार बदल सकता है लेकिन हम उन छोटे छोटे डिसीजंस के बारे में कभी नहीं बात करते वो स्मॉल डिसीजन जो हम अपनी लाइफ में डेली जीवन में लेते हैं डेली रेगुलर लाइफ में हम उस को लेते हैं और क्या बेहतरीन एग्जाम्पल इसमें दिया गया है आपने अक्सर सुना होगा क्या आपको आप क्या बता सकते हैं कि कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी करते वक्त क्या कभी ये सोचता है कि अपनी बेटी की शादी करेंगे फिर उसके एक या दो महीने बाद उसको डाइवोर्स लेके उसको वापस ले लेंगे क्या कभी कोई माँ बाप ये चाहता है कि उसके बच्चे का डाइवर्स हो क्या कभी बच्चा कोई चाहता है या लड़का या लड़की चाहता है कि उसके डाइवोर्स हो या फिर कोई छोटे बच्चे चाहते हैं कि उनके माँ बाप के, के डाइवर्स हो लेकिन ये चीज़ें क्यों हो जाती हैं अच्छा पता है आपको डाइवोर्स कभी एक दिन में नहीं होता कि शादी हुई अगले दिन डाइवर्स हो गया ये वो प्रोसेस है जो एक साल दो साल या तीन साल चार साल पाँच साल दस पंद्रह साल के बाद भी डाइवोर्स होते हैं रीज़न क्या है आपका वो रीज़न ये है कि वो स्मॉल चॉइसेस वो स्मॉल डिसीजंस जो अपने डेली लाइफ में लेते हैं वो छोटे छोटे डिसीजंस एक बार इतना बड़ा बन जाता है इतनी बड़ी चीज़ें बन जाती हैं कि बातें इस हद तक पहुंच जाती हैं कोई भी कंपनी कोई भी कंपनी इसी बुक में वो एग्जांपल दिया गई कोई कंपनी एक दिन में बैंक नहीं होती ना कोई कंपनी छोटे से बड़ी हो जाती है एक दिन में अगर उनको छोटे से बड़ा बनाते हैं कौन से उनके स्मॉल चॉइसेस उनके स्मॉल इस्मिसजन सो योर द योर डिसीजन शेप्स योर डेस्टिनी आपकी जो स्मॉल डिसीजन है ना वही आपके लक्ष्य को निर्धारित करती हैं और चाहे वो जो भी आपके दिन के छोटे डिसीजनस हो आपको किसके साथ उठना है किसके साथ बैठना है कितने घंटे आपको मोबाइल चलाना है और किससे कितने देर बात करना है ये हर एक छोटे डिसीजन एक दिन आपके लाइफ चेंज करने वाले हैं और वो ये हर एक छोटे डिसीजन आपको आपके लक्ष्य तक लेके जाने वाले हैं और इस पॉइंट को मैंने पहले पॉइंट पर क्यों रखा द रीज़न वाई आई थिंक दिस पॉइंट शुड बी ओन अ फर्स्ट लेट मी टेल यू बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स इस बुक इस वीडियो को देख रहे होंगे जिन्हें किताबें पढ़ने का शौक नहीं है मतलब किताब पढ़ो तो उनको नींद आती है या फिर किताब पढ़ने में मज़ा नहीं आता किताबें समझ में नहीं आती वो कन्फ्यूज होते हैं कि कौन सी बुक पढ़ें या कौन सी बुक ना पढ़ें एंड द रीजन इज द वाई आई पुट दिस पॉइंट ऑन द फर्स्ट इज ये उसी स्मॉल चॉइसेस और ये उसी स्माल डिसीसिजन की वजह से आपको किताबें पढ़ने का शौक़ नहीं है वो स्मॉल चॉइसेस वो स्मॉल डिसीजंस क्या है क्योंकि आपका इंटरेस्ट शायद दोस्तों से बात करने में ज़्यादा आता हो शायद मोबाइल देखने में ज़्यादा आता हो कार्टून देखने में टी देखने में या फिर मोबाइल को यूज़ करने में ज़्यादा आता हो और इसी स्मॉल डिसीजन की वजह से आज आपके दिमाग पर ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि शायद आपको किताबें पढ़ने का शौक़ नहीं होता तो जो लोग किताबें पढ़ते हैं आई एम सो हैप्पी विथ यू एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपके अंदर वो शौक है किताबें पढ़ने का सो so, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आज से वो छोटे डिसीजन्स लेना शुरू कर दो एक किताब उठाओ कोई भी बुक उठाओ उसको एक बार पढ़ो दो बार पढ़ो चीज़ों को समझो एंड ट्रस्ट मी आपकी स्मॉल डिसीजन छोटे छोटे स्मॉल डिसीजनस आपके एक दिन आपकी डेस्टिनी को शेप्स करेगी और एक दिन आप भी एक बुक लवर्स बन जाएंगे एक किताब प्रेमी बन जाएंगे सो दिस वॉज द फर्स्ट रीजन लेट लेट मी मूव टू द सेकेंड पॉइंट दूसरा लेसन क्या है जो मैंने इस बुक से पढ़ी एंड द सेकेंड पॉइंट इज सेकेंड पॉइंट में डेरन हार्डी इस बुक के राइडर यह बताना चाहते हैं कि कोई भी बच्चा बड़ा कब हो जाता है मतलब बचपन से बड़ा कैसे बन जाता है हम एक चाइल्ड हुड से अडल्टुड में कब आ जाता है इसके बारे में डेरन हार्डी बताना चाहते हैं और डेरन हार्डी कहते हैं कि कोई बच्चा बड़ा तब बनता है कब द डे यू ग्रेजुएट फ्रॉम योर चाइल्ड हुड टू अडल्ट हुड इज इज़ द डे यू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ और राइटर ने इसमें एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल्स जिंदगी के आपके जो भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं लीजिए आपके जिंदगी में अपने लाइफ में जो भी चीज़ें गलत हुई हैं ना यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर देट राइटर ने बताया कि आप ट्रैफिक की वजह से लेट नहीं हुए यू हैव टू टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद की वजह से लेट हो गए आपको रात को नींद नहीं आ रही मोबाइल की वजह से नींद नहीं आ रही बेड की वजह से बेड में खराबी नहीं मोबाइल में खराबी नहीं है अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर देट सो आप एक बच्चे से बड़ा तब बन जाते हैं जब अपनी जिंदगी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद से लेना चाहते हैं आप जिस दिन से लेना चाहते हैं और इसीलिए राइडर कहता है टूडे इज़ द डे वैन यू हैव टू स्टार्ट टू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ़र लाइफ आज से आपको अपनी जिंदगी की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है और आपको निर्णय लेना है कि वो क्या रीजन है कि आप इस चीज को नहीं कर पा रहे एंड इफ यू आर नॉट अ फाउंड ऑफ रीडिंग बुक अगर आपको शौक नहीं किताबें पढ़ने का देन यू आर द रिस्िपॉन्सिबल ऑफ दिस बुक एंड यू हैव टू रीड इट आउट एंड यू हैव टू चेंज इट इट आपको बदलना है इसको और आपको किताबें पढ़ने का शौक अपने अंदर लाना है सो दैट वॉज द सेकंड पॉइंट एंड लेट मी फिनिश दिस वीडियो विद थर्ड पॉइंट दैट वॉज अमेजिंग और थर्ड पॉइंट क्या है दोस्तों थर्ड पॉइंट में राइटर डेरन हार्डी कहते हैं सक्सेस पीपल आर नॉट नेसेसरली मोर इंटेलिजेंट और मोर टैलेंटेड दैन एनी वन एल्स बट देर हैविट टेक दैम इन द डायरेक्शन ऑफ बिकमिंग मोर इन्फॉर्म्ड मोर नॉलेजबल मोर कॉम्फिडेंट बेटर स्किल्ड एंड बेटर प्रिपेयर डेरन हार्डी कहते हैं जो सफल इंसान होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होते हैं लेकिन उनकी आदतें ऐसी होती हैं जो उनको उस दिशा में ले जाती है जहाँ से वो हमेशा ज़्यादा ज्ञान मोर नॉलेज इंफॉर्मेशन मोर नॉलेज मोर प्रैक्टिस तो उनकी आदतें ऐसी होती हैं और डेरन हार्डी कहते हैं कि इंसान के जीवन में कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो बहुत माइनर होती हैं जिनका मतलब नहीं होता चाहे वो वो आदतें आपकी ज़िंदगी में हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन आज फ़र्क नहीं पड़ता थोड़े दिनों बाद वही छोटी आदतें आपकी पूरी ज़िंदगी को ख़राब कर सकती हैं कैसे उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया कि लेट सपोज कोई जहाज़ है हाजिर लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क की तरफ उसको जाना है और उसके पायलट ने एक छोटी सी गलती कर दी उसको सीधा जाने के बजाय अपने पास से जस्ट एक सेंटीमीटर वो राइट या लेफ़्ट की तरफ उड़ान भरने लगा अब जरा सोचो क्या होगा वो लॉस एंजल्स की तरफ जगह कहीं और शहर पहुंच जाएगी कहीं और देश पहुंच जाएगी डरन हार्डी यही कहना चाहते हैं कि अगर आप जिस आदत को जिस हैबिट्स को बहुत छोटा समझते हैं ना जिससे आपकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक वक्त के बाद वही छोटी आदत आपको आपके लक्ष्य से आपके मकसद से आपके गोल से इतना दूर कर देगी शायद हमें अंदाज़ा भी नहीं होगा सिमिलरली अगर अपोजिट सेंस में बात करेंगे एक छोटी सी आदत शायद आपको पता नहीं कि वो कितने इंपॉर्टेंट है लेकिन हो सकता है वही छोटी सी आदत एक दिन आपका पूरा व्यक्तित्व तो बदल दे एक दिन आपका पूरा जीवन का तरीका बदल दे और ट्रस्ट मी गाइस किताबें पढ़ना उनमें से एक आदत है मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैं रिकमेंड करूंगा हर एक बच्चे को हर एक स्टूडेंट को हर एक पेरेंट्स को फैमिली मेम्बर्स को हर एक इंसान को कि प्लीज़ आप किताबें पढ़ने का शौक़ रखो बहुत अच्छी किताबें होती हैं बहुत अच्छी किताबें होती हैं ट्रस्ट मी आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू प्लीज इफ़ यू हैव स्टार्ट टू रीडिंग बुक स्टार्ट फ्रॉम टूडे ऑन मोर्स डू ऑर्डर दिस बुक एंड दिस बुक मतलब सच कह रहा हूँ अगर ये बुक आप ऑर्डर करेंगे ना अगर ये आप पढ़ते हैं तो शायद वो ये बुक होगा जो आपके लाइफ को चेंज कर दे और आपके अंदर भी एक किताबें पढ़ने का शौक पैदा कर दे सो वेल लेट मी फिनिश दिस वीडियो एंड आई डोंट नो हाउ आई एक्सप्लेन इट दिस वॉज द फर्स्ट वीडियो अबाउट एनी बुक रिव्यू एनी बुक लेशंस एंड आई होप आई हैव डन गुड इफ नॉट यू कैन लेट मी इन द कमेंट बॉक्स गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग Do subscribe if you haven't, and uh, click on the bell icon that I, you can get notification when I upload any videos. So stay tuned, stay connected. See you in the next video.